आइए नेता जी, आइए आइए बैठिए। देखिए आपके इलाके से किसको पकड़ कर लाए, शहर के मशहूर इज्जतदार पोजीशन के ठेकेदार सेठ संग्राम सिंह। संग्राम सिंह इस शहर के बहुत ही नहायत शरीफ इंसान, इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? हाँ, ये मेरा ऑर्डर, इस एरिया के एमएलए का ऑर्डर। जानते हैं एमएलए साहब, ने 6 करोड़ के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है हमने। मुझे ये सब नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इस एरिया का एमएलए हूँ। एमएलए? हाँ, छोड़ दो उनको सुमित, नहीं तो ये एमएलए साहब तुमको कुर्सी पर से गायब कर देगा, है क्या नहीं एमएलए साहब? बिल्कुल सही। एमएलए साहब, ये नया नया छोकरा लोग है, नई नई वर्दी है, नया नया खून है, जोश दिखाता है, जोश दिखाता है। इनको मालूम नहीं अभी तक कुछ। अरे ये अपने एरिया का बहुत पावरफुल एमएलए साहब है, बहुत पावरफुल है। पिछले महीने इन्होंने 2-4 इंस्पेक्टर का बदली कर दिया, किया क्या नहीं? हाँ सही। तुमको अपना नौकरी प्यारा है ना? नौकरी प्यारा है क्या नहीं, तो एमएलए साहब जो बोलता है ना उसको स्वीकार कर लो। हाँ, अरे कुछ बनने का है तुमको, कुछ करने का है, कुछ कुछ कमाने का है, माल पानी क्यों? तो इनका साथ दो। हाँ, नहीं तो इनके हाथ इतने लंबे हैं कि तुमको लंबा करके कानून के हाथ को काट के कानून को छोटा कर देगा। बहुत बहुत बड़ा साथ है, बहुत बड़ा साथ। सुमित, अपने एरिया में दारू बनता है इनकी वजह से, मटका चलता है एमएलए साहब की वजह से, लफड़े होते हैं इन्हीं की वजह से। बहुत बड़ा साहब है, बहुत बड़ा साहब है। पॉलिटिक्स चलाता है ये लोग। इनसे आड़ी बाजी नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। पूरा हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में लेकर चलता है ये लोग, है क्या नहीं? है सर, मैं क्या करूं? क्या करूं? बंद कर दे साले को अंदर। चल। अरे ये सर, मैं इस एरिया का एमएलए हूँ। अरे छोड़ो मुझे, तुमने मुझे समझा क्या है? इंस्पेक्टर, मैं इस एरिया का एमएलए हूँ, तुमने मुझे अंदर करके अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया है। इंस्पेक्टर, ये इस एरिया का क्या है? MLA? नो, एमेलिया, मेला। खामोश। अरे तुमने मुझे क्या समझा है? तुम्हारी कुर्सियां हिला डालूंगा, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। देखो मेले साहब, अपन को ज्यादा उर्दू आता नहीं, क्या फिर भी हम बोलता है, क्या बोलता है मालूम है? शायरी बोलता है। कोई फायदा नहीं कानून से बगावत में, कोई फायदा नहीं कानून से बगावत में, तुम्हारे लफड़े का फैसला होएगा कल अदालत में। यस योर ऑनर, जिस कार में नशीली दवाइयां मिली उस कार से मिस्टर संग्राम सिंह का कोई रिश्ता नहीं है, ना नशीली दवाओं से कोई नाता है। लेकिन मी लॉर्ड, इंस्पेक्टर सुमित और प्रोफेसर आनंद में रिश्ता है, क्योंकि इंस्पेक्टर सुमित प्रोफेसर के होने वाले बहनोई हैं। सुमित को इज्जत और शोहरत दिलाने के लिए प्रोफेसर आनंद ने ये खतरनाक जाल बुना, जिसमें शहर के इज्जतदार और जनता के सेवक सेठ संग्राम सिंह फंस गए। ये झूठ है माय लॉर्ड, वकील साहब कानून को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन किसको बहका रहा है इसका फैसला वो करेगा जो इस वाक्य का चश्मदीद गवाह है, और वो है ढाबे का मालिक श्याम जी। ढाबे वाला श्याम जी हाजिर हो। जून की रात 11:30 बजे तुम्हारे ढाबे के सामने क्या हुआ था? भैया के बाद साहेब ऊ दिन रात के समय एक कार आई के हमरे ढाबा के सामने ठीक 11:20 पर खड़ी भई। तनिक देर बाद इंस्पेक्टर साहब और प्रोफेसर साहब कार के पाछे जीप मा से उतर के आए। इंस्पेक्टर साहब के देख के सारे गुंडे भाग खड़े हुए। इंस्पेक्टर साहब और प्रोफेसर साहब उ गुंडन के पकड़े के बहुत कोशिश किए, लेकिन देखा देखा वो गुंडन 9-11 हो गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर साहब कार का फाटक खोल के एक बहुत बड़ा संदूक निकाले, और संदूक खोल के देखा थे तो अमन नशा का चीज खाते खत भरा रहा। हम अचानक कहा देखा थे कि इंस्पेक्टर साहब और प्रोफेसर साहब
सेठ संग्राम सिंह के ऊपर जाए के नजर गड़ा दियन जोन हमरे गरीब के ढाबा में बैठ के चाह पियत रहन। सेठ संग्राम सिंह तुम्हारे ढाबे में क्या पी रहे थे? हाँ साहेब, ये बदे के उनकर गाड़ी खराब हो गई और उनका जो ड्राइवर रहा ना वो मैकेनिक बुलावे का रहा। वो करे बाद वकील साहब, प्रोफेसर साहब, इंस्पेक्टर साहब से कहे लागेन कि तुम्हारे पास बस एक कई रास्ता है, अपन नाम और शोहरत बनावे खातिर ये सारा का सारा नशा का चीज सेठ संग्राम सिंह के बनाए दो। ये झूठ है माय लॉर्ड। मिस्टर आनंद, आपको बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। I'm sorry. Proceed. भैया के बाद इंस्पेक्टर साहब आई के जबरदस्ती सेठ संग्राम सिंह के गिरफ्तार के लिए और तो और वकील साहब ये गरीब से भी अंडसंड बयान ले लिए सेठ संग्राम सिंह के खिलाफ। माई बाप, तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सेठ संग्राम सिंह की गाड़ी खराब हो जाने की वजह से वो ढाबे पर ठहरे थे। प्रोफेसर आनंद और इंस्पेक्टर सुमित का उनको मुलजिम समझना उनकी गलतफहमी और गलती है, इसलिए अदालत संग्राम सिंह जैसे इज्जतदार शहरी को तमाम इल्जामों से मुक्त करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। देखो भाई, हम तो इज्जतदार लोग हैं और इज्जत का दावा तो वो लोग करते हैं जो बेइज्जत होते हैं। हमें तो अदालत ने बाइज्जत बरी किया है। मुझे प्रोफेसर आनंद से कोई शिकायत नहीं। एक्सक्यूज मी सर, एक फोटोग्राफ। सोचते होगे प्रोफेसर ये कैसे हो गया सब कुछ, सच्चाई की चादर पर झूठ के कांटे कैसे सच गए। हम जैसे शैतानों से भरे जंगल में तुमने कोई नाग या सांप नहीं बल्कि अनजाने में एक अजगर के मुंह में हाथ डाला है। ऐसे निगल जाऊंगा तुम्हें कि जब तक जियोगे मेरा नाम ले लेकर तड़पते रहोगे। संग्राम सिंह, जुर्म का रास्ता बहुत छोटा होता है, थोड़ी दूर जाके खत्म हो जाता है और सच्चाई हमेशा झूठ का पीछा करती है और मौका मिलते ही उसका गला दबोच देती है। आज जीत जरूर तुम्हारी हुई है लेकिन कल ऐसी हार होगी कि तुम मरने से पहले खुद ही अपनी तस्वीर पर अपने हाथों से स्वर्गवासियों वाला हार चढ़ाओगे हार, क्योंकि इंसाफ की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है लेकिन पीसती बहुत बारीक। सांगा साहब की जीत की खुशी में चीयर। आज हमारी जीत नहीं हार हुई है और हम अपनी हार का, अपनी बेइज्जती का और अपने ड्रग्स के नुकसान का बदला जरूर लेंगे, मगर कानून की अदालत के हिसाब से नहीं, अपनी जुर्म की अदालत के हिसाब से। जाओ और जाकर उस प्रोफेसर की तकदीर की किताब का एक एक पन्ना नोच डालो, वो हालत करो प्रोफेसर और उसके परिवार की ताकि जमीन पर इंसान नहीं आसमान पर भगवान भी कांप उठे। देखिए जी, सबसे पहले आपके जन्मदिन की मुबारकबादी हमारी जुबानी ले लीजिए। और अब रहा सवाल आपके जन्मदिन के तोहफे का, तो सबसे कीमती तोहफा तो हमने आपको दे ही दिया था, हमारे बेटे राजू। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा लाई हूँ जो हमारी सामने वाली अलमारी में सबसे ऊपर वाले खाने में रखती हूँ। Thank you.
पीछे मुड़कर देखिए। क्यों नहीं सुमित? डॉक्टर साहब, मैं प्रोफेसर आनंद हूं, मेरी बहन, पत्नी और प्रोफेसर आनंद, आंसर, आपकी बहन को तो बचा लिया गया है। हाँ? मगर आपकी पत्नी और बच्चे को इतनी दारिंदगी के साथ मारा गया कि उनके शरीर पर सिवाय खून और चोटों के और कुछ भी नहीं था। आई एम सॉरी।